हेलो फ्रेंड्स, मैं आप मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सब लोगों के बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम अपना स्कोर कार्ड शेयर कीजिए, अपना हमें स्कोर कार्ड दिखाइए। कुछ तो कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि खुद तो इतने नंबर पर सिलेक्ट हुई है, ज्ञान दे रही है, भाषण दे रही है, ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं। इसके अलावा ये भी आया है कि ऐसा है तो अपना स्कोर कार्ड दिखाओ, हमें ये दिखाओ। पर मैं कुछ सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से अपना स्कोर कार्ड शेयर नहीं कर रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड करके फिर मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकती हूँ। मैंने और यूट्यूबर की वीडियो देखी, वहाँ पर उन्होंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड करके अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रखा है, तो मैंने सोचा मैं भी कर देती हूँ। बहुतों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा और कुछ लोगों का मुंह भी बंद कर देगा जो ये बोलता था कि हाँ अपना स्कोर कार्ड शेयर करो, आपके ये नहीं है वो नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको अपना स्कोर कार्ड शेयर करूंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं कहाँ से मॉक टेस्ट लेती थी और मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर बनते थे और फाइनल में मेरे कितने नंबर बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, ये मैंने ओरिजिनल साइट से अपना स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, एसएससी की साइट से लिया हुआ है, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हाइड कर दी है। आप ये देख लीजिए, मम्मी का नाम और पापा का नाम, DOB, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, मैंने हाइड कर दी। और ये मेरा रोल नंबर है, अगर आप चाहो तो आप रिजल्ट डाउनलोड करके आप मेरा रोल नंबर सर्च करके आप देख सकते हो। और कुछ बोल रहे थे कि आप तमन्ना शर्मा नाम से लेके आना, अब तमन्ना शर्मा का मैं कहाँ से लाऊँ जब मेरे डॉक्यूमेंट्स में नाम भी तमन्ना है। तो नीचे आपको दिखाती हूँ मैं अपना स्कोर कार्ड। तो फ्रेंड्स, आप ये देख लीजिए, मेरे रीजन के अंदर इतने मार्क्स बने, कंप्यूटर में 5 के अप्रोक्स बने थे, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में था इंटरेस्ट ही नहीं था, ना मुझे कंप्यूटर का इतना कोई नॉलेज था, तो ये भी पता नहीं कैसे बन गए मेरे कंप्यूटर में। वो भी थोड़ी बहुत लेक्चर देखे थे वो काम आ गए थे। इसके अलावा आप मुझे नॉलेज मुझे इतना मिला है और अच्छे खासे नंबरों से मेरा पेपर पास हो गया था। और आपको पता होगा कि प्रीलिम्स की कट ऑफ भी तो ज़्यादा नहीं गई थी, उसकी 45 गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा फिजिकल तैयारी करती हूँ तो उसके बाद मेरा आराम से फाइनल तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। डबल मार्क्स थे और मैंने ये फर्स्ट अटैम्प्ट किया था अपना एज होने के बाद में। DOB काफ़ी कम थी, मैं 80-90 ईयर की एज में मैं इस पेपर में अटैम्प्ट किया था मैंने, पर कॉन्फिडेंस अच्छा था मेरा तो मेरा पेपर पास हो गया था। और इसके ये लो मेरा स्क्रीनशॉट, अभी आपको इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ये मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है कि हाँ मेरे इतने मार्क्स बने थे और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। उसके बाद अब कईयों के मन में ये भी होगा कि तो इतनी इंटेलिजेंट थी तो फिर और पेपर क्यों नहीं दिए, और कोई चीज़ें क्यों नहीं सिलेक्ट हुई, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल क्यों दिया, क्योंकि एक वर्दी का पैशन था, एक वर्दी का शौक था, वो पूरा हो गया। अभी हालांकि दौड़ जारी है, क्या पता हम आगे कहीं और सक्सेस हो जाएँ, लेकिन ट्रेनिंग टाइम इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हाँ हम कोई और प्रिपरेशन कर सकें, लेकिन ट्रेनिंग के बाद हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरी पढ़ाई से उस टाइम मैं दूर भी हो गई थी, इसलिए मैंने कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया। कम एज में पहली बार सिलेक्ट होना और फिर कोई जॉब में फाइनल तक पहुंचना बहुत इंस्पिरेशन का काम करता है, इसलिए मैंने कहीं और अपनी ट्राई नहीं किया था। इसलिए आप अपनी नेगेटिव बातों को अपने माइंड से निकालिए, नेगेटिव लोगों से भी आप लोग दूर रहिए जो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ते हैं, क्योंकि आप अपनी तैयारी करते रहोगे तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। और मेरे और भी पेपर पास हुए थे, मैंने उसके स्क्रीनशॉट ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे मिले नहीं। मेरे रेलवे के एग्ज़ाम निकले थे उस टाइम, रेलवे का भरा हुआ था NTPC, और लेकिन वो मैं मेंस देने नहीं गई थी, सिर्फ प्रीलिम्स पास किए थे, क्योंकि एक तो ट्रेनिंग चल रही थी, ऊपर से ये था कि हाँ जब मुझे करना ही नहीं है तो फिर क्यों मैं किसी की सीट वेस्ट करूँ, तो जो लग रहा है वही ठीक है मुझे। मैं दिल्ली पुलिस की जॉब से सेटिस्फाइड थी इसलिए मैं वो पेपर देने नहीं गई। ओके फ्रेंड्स, बहुत लोग मोनिका मैम के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं कि वो सीट वेस्टर है, उन्होंने क्यों एग्ज़ाम दिया, उन्होंने एक बच्चे की सीट खराब कर दी। तो देखो ये सब चौंचले होते हैं कि उन्होंने सीट खराब कर दी, उन्होंने कैसे खराब कर दी सीट, उनके बैठने से सीट खराब नहीं होती। और ज़्यादा अलग की बात है, वो पेपर पास वो अपने दम पर पेपर पास करती है, जिसका सिलेक्शन होना होगा ना, जिस दम होगा वो अपनी सीट ले लेगा, वो अपना सिलेक्शन ले लेगा। और जो लोग कुछ नहीं कर पाते ना, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन का काम करती है। मैं बहुत मानती हूँ मैम को, तो प्लीज़ आप उनके बारे में नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्यों ना दे वो पेपर, आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी क्या, उसमें मौलिक अधिकार है, कुछ मूल अधिकार होते हैं, वो आप उनसे उन्हें परिचित नहीं कर सकते। जब सरकार ने उनको दे रखे अधिकार तो आप लोग कौन होते हो उन्हें उनसे दूर करने वाले, वो पेपर देंगे क्यों ना दे जब तक उनकी ओवरेज ना हो जाए। तो प्लीज़ आप लोगों के बारे में नेगेटिव मत भेजिए, क्यों आप उनको नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, उनको इतना परेशान करके रख दिया। फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने मॉक टेस्ट बुक ही दिए थे क्योंकि उसका लेवल थोड़ा अच्छा होता था, मेरे फाइनल तक अच्छे मार्क्स नहीं बनते थे मॉक टेस्ट के अंदर, मेरे नॉर्मल मार्क्स बनते थे, कभी मैं 80 के बीच रह जाती, 80 तो मेरे कभी गने लास्ट के टाइम भी 80 नहीं गए थे मेरे, मेरे मार्क्स बने थे 70 के अप्रोक्स मेरे नंबर रहते थे, और उससे ज़्यादा ही मेरे वहाँ बने, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी कि जो मॉक का लेवल होता है ना वो बहुत हार्ड होता है ओरिजिनल पेपर के कंपेयर में, इसलिए मेरे मॉक्स में से ज़्यादा नंबर वहाँ बने थे। इतने
मैं कोई पहुंची थी मॉक के अंदर 74-75 तक, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, लेकिन फिर सोचा चलो तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत का फल भी मिल जाएगा, और यही हुआ, मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। और आप भी तैयारी करते रहिए, मैं आपको गाइड करती रहूँगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।